गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड के 15 पंचायत के सभी बूथ जीतने को लेकर की गई अनवर अंसारी के आवास पर बैठक। गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड झामुमो अध्यक्ष अनवर अंसारी के आवास पर 15 पंचायत के सभी पंचायत अध्यक्ष सचिव सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में जिला कमेटी द्वारा दिए गए टास्क पर चर्चा की गई। प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी ने बताया कि बैठक में 15 पंचायत के सभी अग्रणी नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें सभी को अपनी अपनी पंचायत के हर बूथ को जीतने की गुर सिखाए गए। तो वहीं गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम ने कहा कि इस बार हर बूथ को जीतने के लिए हर घर तक हम सभी कार्यकर्ता पहुंचकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और अधिक से अधिक मत 15 पंचायत से देकर इस बार विपक्ष को धाराशाही करने का काम करेंगे। बैठक के दौरान प्रखंड सचिव लेखो मंडल, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, शोभा यादव, मोहम्मद निजाम, अताउर रहमान उर्फ बाबू, मोहम्मद इस्लाम, नागेश्वर मंडल, सलाकत अंसारी, मनोज यादव, देवचरण दास सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित रहे। आज हम लोग हमारे गिरिडीह प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी की ओर से प्रखंड कमेटी का बैठक आहूत किए गए थे। हमारी आवास पर सभी कार्यकर्ता, हमारे पंचायत के सभी अध्यक्ष सचिव, प्रखंड के साथी, हमारे मुखियागण, जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य एवं हम लोग इंडिया गठबंधन के भी कुछ साथी को भी हम लोग निमंत्रण आमंत्रण किए थे जो आया हुआ है। हम लोग आज से यह तय यहाँ पर हो रहा है कि कल से हम लोग निकलेंगे क्षेत्र में और पंचायत अध्यक्ष सचिव को यह टास्क दिया गया है कि आप पंचायत अध्यक्ष और सचिव सिर्फ अपने पंचायत में ही रहें और वहाँ के जो प्रमुख साथी है हर समाज के लोग को लेके अपने डोर टू डोर अपने घरों में हर घरों में जाएं और उस तरह के वहाँ पर बैठे और सबसे बातों करें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे चंपाई बाबू के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजना किया गया है उसको घर घर तक पहुँचाएं और सभी से हमारे श्रीमती कल्पना सोरेन की पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करें, सभी से आग्रह करें। यही तय किया जा रहा है और डोर टू डोर पंचायत के अध्यक्ष लगातार घूमेंगे और सभी लोग लगे हुए हैं। कल से यही रणनीति बनाया जा रहा है। आज हमारे जेएमएम के पश्चिमी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनाब अनवर अंसारी के आवास में 15 पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ साथियों की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी उपचुनाव को लेकर के स्पष्ट रणनीति को तय किया जा रहा है और इसमें तमाम साथियों से आह्वान किया जा रहा है कि चूंकि हमारे पास प्रचार प्रसार का समय कम है, हम लोग सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, वो हम लोग आम जनों तक बताएंगे और आगे की जो हमारा योजना है, हमारी जो प्रत्याशी हैं उनका जो मैनिफेस्टो है कि वो किस तरह से हमारे क्षेत्र का 15 पंचायत का किस तरह से आगे विकास करेंगी, इनको हम लोगों को बताना है और एक एक घर तक पहुंचना है ताकि इस बार जो है हमारे प्रखंड से जो 15 पंचायत हैं ये बिल्कुल यहाँ से इस हर एक बूथ को हम लोग जीतते हुए चले। जब सारे बूथ को हम लोग जीतेंगे तो यहाँ का आंकड़ा हमारा इतना पार रहेगा कि जो भी विपक्ष पार्टी है वो कहीं ना कहीं धाराशाही होगा और उसका ग्राफ बहुत नीचे रहेगा। अपील कर दी, अपील आज गिरिडीह प्रखंड के 15 पंचायत झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से गांडे विधानसभा का उपचुनाव को लेकर के गंभीरता पूर्वक बातें चल रही है और साथ साथ में बूथ कमेटी पर काफी बल दिया जा रहा है और जिस पंचायत में हमारे कुछ चुनौतीपूर्ण लिया गया है, कुछ बूथों पर हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए एक दल बनाया गया है उस पंचायत में जो सभी वोटर से और सभी अभिभावक और सभी परिवार से मिलकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने का अपील किया जाएगा। वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उस उपलब्धियों को उन परिवारों को बीच रखा जाएगा और साथ में एक कार्य करने वाला सरकार फिर से 2025 में बने
इसके लिए करके श्रीमती कल्पना सोरेन जी को गांडे विधानसभा से चुनाव जिताकर और कुछ ही अब समय के लिए उनको मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की जनता देखने के लिए चाह रही है। इन तमाम शक्ति को लेकर के हम लोग बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ में गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए और साथ में कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोग काफी अपने तन मन धन और शक्ति के साथ मैदान में उतरने का आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। एक एक झारखंडी कार्यकर्ता सभी अपना दैनिक कार्य छोड़ करके चुनाव में अपनी जान ताकत सब झोंक देने का काम करेंगे, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद।